सब्सक्राइब कीजिए मनोरंजन मसाला को और इस बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरे वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी 5 मजेदार पहेलियां बताने वाली हूँ कि जो भाई आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या है इनके जवाब। और दोस्तों ये पहेलियां सुनकर आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वह 5 मजेदार पहेलियां। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ मीरा और मनोरंजन मसाला इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। पहली नंबर 1। एक लड़का एक लड़की के पास से गुजरता है और उस लड़की से उसका नाम पूछता है, तो लड़की कहती है 100 प्लस नल प्लस कार प्लस वाग प्लस बुक्की। तो दोस्तों जरा सोचिए कि लड़की ने कौन सा फार्मूला लगाया और अपना क्या नाम बताया। तो दोस्तों 10 सेकंड से पहले मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि लड़की ने अपना क्या नाम बताया। तो चलिए मैं 10 सेकंड का टाइम लगा देती हूँ। तो दोस्तों आया क्या आपको इसका जवाब कि लड़की ने अपना नाम क्या बताया? नहीं आया यार। अरे यार, लड़की ने अपना नाम सोनल मारुति वाघमारे बताया। तो चलिए देखते हैं कैसे। दोस्तों 100 को हम क्या कहते हैं? 100 प्लस क्या है? नल। तो क्या हो गया? सोनल। और फिर बाद में क्या है दोस्तों? कार है। तो कार कौन सी है? मारुति है। तो क्या हो गया? सोनल मारुति। और उसके बाद में दोस्तों क्या है? वाघ। वाघ यानी शेर। और प्लस क्या है दोस्तों? बुक्की। तो बुक्की का इस्तेमाल हम कब करते हैं दोस्तों? मारने के लिए, फाइटिंग खेलने के लिए, यानी मारे। तो दोस्तों क्या नाम हो गया? सोनल मारुति वाघमारे। पहली नंबर 2। कोई एक ऐसा नंबर बताइए कि अगर जिसे हम उल्टा कर दे तो भी वही नंबर रहेगा। तो दोस्तों अपना दिमाग लगाइए और इस पहेली का सही जवाब दीजिए। तो दोस्तों आया क्या आपको वह नंबर कि वह कौन सा नंबर है कि जिसे हम उल्टा कर दे तब भी वही नंबर रहेगा? नहीं आया यार। अरे यार, वह नंबर है 1961। देखिए 1961 को हम उल्टा कर दे तब भी 1961 ही नंबर रहेगा। पहली नंबर 3। शरीर का वह कौन सा अंग है जो जन्म के बाद आता है और मृत्यु से पहले चला जाता है? तो दोस्तों इस पहेली में अपना दिमाग लगाइए और इस पहेली का सही जवाब दीजिए। तो दोस्तों आया क्या भाई आपको इसका जवाब? नहीं आया यार। अरे यार, यह तो कॉमन सेंस की बात है। उसका जवाब है दांत। हम देखते हैं कि जब छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के 8-9 महीने बाद उसे दांत आते हैं और बुढ़ापे में धीरे धीरे करके एक एक दांत उसके मृत्यु से पहले चले जाते हैं। तो उसका जवाब है दोस्तों दांत। पहली नंबर 4। दोस्तों पहली जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या कोई आदमी कानूनी तौर पर अपनी विधवा की बहन से शादी कर सकता है क्या? तो दोस्तों इस पहेली में आपको जरा हटकर सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में वह आदमी अपनी विधवा की बहन से शादी कर सकता है क्या?
तो दोस्तों आया क्या आपको इसका जवाब कि वह आदमी अपने विधवा की बहन से शादी करेगा या नहीं? नहीं, हरगिज नहीं यार, यह तो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि वह आदमी तो पहले ही मर चुका है, तभी तो उसकी पत्नी विधवा हुई है ना, फिर वह आदमी अपनी विधवा की बहन से शादी नहीं करेगा। पहली नंबर 5, वह क्या है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती? तो दोस्तों जरा सोचिए और 10 सेकंड होने से पहले मुझे कमेंट कर इस पहेली का सही जवाब दीजिए। तो दोस्तों पता चला क्या कि वह क्या है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती? तो उसका जवाब है परछाई। दोस्तों आपकी परछाई हमेशा आपके साथ चलती है, यदि आप पानी में गिर भी गए तो आपकी परछाई गीली नहीं होती। तो उसका जवाब है परछाई। यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।